बहुत सारे प्लांट्स की स्पीसीज यानी प्रजातियाँ ऐसी होती है जिन पे हमें मौसम का प्रभाव देखने को मिलता है, टेम्परेचर का प्रभाव देखने को मिलता है। और जब हम किसी कम तापमान पे पौधों में फ्लावरिंग कराते हैं या उसमें फ्रूट्स प्रोड्यूस करवाने होते हैं, तो जब कोल्ड ट्रीटमेंट हमें उन्हें देना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड वर्नस से बना है, जिसका मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग लाइक। स्प्रिंग का मतलब आप जानते हैं, बसंत ऋतु को कहा जाता है स्प्रिंग। तो ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो वर्नलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी प्लांट में जो फ्लावरिंग की प्रोसेस है वो कोल्ड ट्रीटमेंट यानी ठंडा ट्रीटमेंट देकर कराई जाती है। सन 1920 में T.D. लाइसेनको, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम सबके सामने रखा। लाइसेनको ने बताया कि पौधों में, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो बहुत सारी सीरीज में होती है, और प्लांट्स की ग्रोथ की जो स्टेजेस होती है वो अलग अलग होती है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, उसके पूरा होने से पहले वाली जो स्टेज होती है उसे लाइसेनको ने बताया कि वो बसंतीकरण की स्टेज है। इस स्टेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, इसके बीच का टेम्परेचर प्लांट को दिया जाता है वर्नलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो वर्नलाइजेशन में होता क्या है, इसमें जो प्लांट्स के फलने फूलने और उनके सीड को जर्मिनेट करने की जो स्टेज होती है, तो इन दोनों के बीच की टाइम पीरियड घट जाता है। अब बात करते हैं कि बसंतीकरण यानी वर्नलाइजेशन की तकनीक क्या है, टेक्निक क्या होती है वर्नलाइजेशन कराने की। तो वर्नलाइजेशन के लिए सीड्स को पहले पानी में भिगो के अंकुरित होने दिया जाता है। इसके बाद अंकुरित बीजों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी उन्हें कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जाता है। इतना 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जाता है। तो अब इन अंकुरित बीजों को कुछ टाइम के लिए ड्राई होने दिया जाता है, और इसके बाद इन बीजों को बो देना चाहिए। दोस्तों, वर्नलाइजेशन कुछ दिनों में पूरी हो जाने वाली छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें सीड्स को लगभग 40-50 दिन या 1 महीने लगातार कोल्ड ट्रीटमेंट देना होता है। वर्नलाइजेशन की प्रोसेस में वर्नेलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था वर्नलाइजेशन प्रोसेस का एक छोटा सा ओवरव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल विजिट ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।